हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे ग्लासोकोमा स्केल के बारे में, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो प्लीज़ आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। साथ ही इसमें मैं आपको बताऊंगी एक ईजी ट्रिक जिसके थ्रू आप इजीली याद कर पाएंगे कि ग्लासोकोमा स्केल में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं ग्लासोकोमा स्केल के बारे में। ग्लासोकोमा स्केल इन्वेंटेड इन 1974 बाई ग्राहन टीसेल एंड ब्रायन जे जेनेट। ये दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्लासोकोमा स्केल पहली बार 1974 में बनाया था। और वो कौन थे? वो थे, पहले जो थे वो थे ग्राहम टी टेल और सेकंड थे ब्रायन जे जेनेट। ग्लासोकोमा स्केल नाम क्यों पड़ा? ग्लासोकोमा एक यूनिवर्सिटी है जो स्कॉटलैंड में है और ये पढ़ती है यूनाइटेड किंगडम में। यूके में जो स्कॉटलैंड है वहीं पे ये यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ये दोनों व्यक्तियों ने ग्लासोकोमा स्केल का आविष्कार किया था। तो इसी के नाम पे ग्लासोकोमा स्केल नाम पड़ा है। अब हम देखेंगे कि ग्लासोकोमा स्केल होता क्या है। ग्लासोकोमा स्केल के बारे में हम यहाँ देखेंगे। टू असिस्ट द कॉन्शियस लेवल ऑफ द पेशेंट। ग्लासोकोमा स्केल को न्यूरोलॉजिकल स्केल भी कहा जाता है क्योंकि ग्लासोकोमा स्केल के थ्रू हम किसी भी व्यक्ति का कॉन्शियस लेवल देखते हैं और साथ ही उसका जो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट होता है उसको हम करते हैं। हमें जो ग्लासोकोमा स्केल का असेसमेंट करते समय हमें मेनली 3 आर्टिकल्स की ज़रूरत पड़ती है जिसमें आता है नी हैमर, फ्लैश लाइट एंड पेन। ये 3 मेन आर्टिकल होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है ग्लासोकोमा स्केल के समय। अब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं? ग्लासोकोमा स्केल के मेनली 3 कंपोनेंट हैं, आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स। इसको हम इजीली याद रखने के लिए एक इजी ट्रिक याद कर सकते हैं, जैसे ई बी एम। आप बस ई वी एम याद कर लीजिए, आपको इजीली ये याद रहेगा कि जीसीएस में कौन से कंपोनेंट हैं। ई से आई, वी से वर्बल और एम से मोटर। अब हम आप यहाँ पे देखेंगे स्कोरिंग के बारे में। ग्लासोकोमा स्केल को मेनली स्कोरिंग के थ्रू डिफाइन किया जाता है जिसमें सबसे पहला जो है आई रिस्पॉन्स। आई रिस्पॉन्स में जो मिनिमम स्कोर होगा वो 1 होगा और मैक्सिमम स्कोर 4 होगा। वर्बल रिस्पॉन्स में मिनिमम स्कोर 1 होगा और मैक्सिमम स्कोर 5 होगा। मोटर रिस्पॉन्स में मिनिमम स्कोर 1 होगा और मैक्सिमम 6 होगा। जब हम ग्लासोकोमा स्केल के थ्रू पेशेंट का असेसमेंट कर लेंगे उसके बाद हम इसको टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद जो मिनिमम स्कोर हमको मिलेगा वो होगा 3, मैक्सिमम स्कोर जो होगा वो 15 होगा। एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन आता है कि जीसीएस का मिनिमम स्कोर क्या होगा, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जो मिनिमम स्कोर होगा वो 3 होगा। अगर वही पूछता है कि जीसीएस का मैक्सिमम स्कोर क्या होगा तो आप यहाँ देख सकते हैं मैक्सिमम स्कोर इसका 15 होगा। अब जो भी जीसीएस के कंपोनेंट्स हैं हम उनको देखेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम देखेंगे आई रिस्पॉन्स। आई रिस्पॉन्स में मेनली 4 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस में जो हमारा पेशेंट है अगर वो अपनी आई को स्वयं ही ओपन कर रहा है, क्लोज कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम उसको 4 मार्क्स देंगे। सेकंड आता है टू वॉइस। अगर हम पेशेंट से कहते हैं कि वो अपनी आई को क्लोज करें, ओपन करें और वो हमें ऐसा करता है तो उस कंडीशन में हम उसको 3 मार्क्स देंगे। टू पेन। थर्ड आता है टू पेन। अगर पेशेंट को हम कहीं पे भी पिंच करते हैं, जैसे ये फिंगर है, हम अगर पेशेंट को यहाँ पे पिंच कर रहे हैं और वो फेशियल एक्सप्रेशन दे रहा है, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन निकल रहा है, तो उस कंडीशन में हम उसको 2 मार्क्स देंगे। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, जैसे अगर यहाँ पे बात करें, हमने उससे वॉइस में कहा कि आप अपनी आँखों को बंद करो, खोलो, और यहाँ पे हमने उसको पिंच भी किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो हम उसको 1 मार्क्स देंगे। और यहाँ पर हम टोटल कर लेंगे, हमने पेशेंट को जितने भी मार्क्स दिए होंगे उसकी पेशेंट की आई रिस्पॉन्स की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उतने मार्क्स इंक्लूड करेंगे।
सेकेंड आएगा वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स में जो फर्स्ट पॉइंट होगा, इसमें भी 5 पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है ओरिएंटेड। जैसे अगर हम व्यक्ति से क्वेश्चन पूछते हैं, हमारा जो पेशेंट होगा, अगर हम उससे पूछते हैं कि आप कहाँ पे हो या आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, अगर वो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर करता है मींस उसको हम 5 मार्क्स देंगे। हम जो भी कह रहे हैं उन बातों को वो समझ रहा है, पहचान रहा है। फिर कन्फ्यूज्ड, सेकेंड नंबर आता है कन्फ्यूज्ड। जैसे हमने पेशेंट से अपने क्वेश्चन किया कि इस टाइम इस समय क्या टाइम हो रहा है, लेकिन पेशेंट नहीं बता पा रहा है, या फिर हम पेशेंट से पूछ रहे हैं कि आप इस समय कहाँ हैं लेकिन पेशेंट नहीं बता रहा है, वो कन्फ्यूज है, वो हॉस्पिटल में है लेकिन होटल बता रहा है, घर बता रहा है, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को 4 मार्क्स देंगे। फिर आता है इन अप्रोप्रिएट वर्ड। जैसे इन अप्रोप्रिएट जो थर्ड नंबर में है, इस पर हमने पेशेंट से पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, या अभी आपके कितने बच्चे हैं, या आपका नाम क्या है, लेकिन पेशेंट कोई भी आंसर नहीं कर पा रहा है। हमने उनसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, तो वो बता रहा है कि मुझे भूख लगी है। हमने उनसे पूछा कि आपको क्या हुआ है, इस कंडीशन में अगर वो कह रहा है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मतलब हम पूछ रहे हैं कुछ और वो बता रहा है कुछ, उस कंडीशन में हम पेशेंट को 3 मार्क्स देंगे। अब आता है इन कम्प्रिहेंसिव साउंड। इन कम्प्रिहेंसिव साउंड में होगा कि अगर व्यक्ति से हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे हमने पेशेंट से पूछा कि अब आप कैसा फील कर रहे हैं, या आप यहाँ पे किस लिए आए हैं, आपको क्या दिक्कत है, आपका नाम क्या है, वो कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा है, सिर्फ एक साउंड वॉइस कर रहा है, जैसे ऐसे साउंड निकाल रहा है, तो हम उसको सिर्फ 2 मार्क्स देंगे। जैसे ही हमारा जो पेशेंट होगा, अगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, जैसे हमने उससे कोई क्वेश्चन पुटअप किया, कुछ पूछा, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, तो हम उसको वहाँ पे 1 मार्क्स देंगे। अब हमारे ये 2 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए, आई रिस्पॉन्स कंप्लीट हो गया और वर्बल रिस्पॉन्स कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे मोटर रिस्पॉन्स के बारे में। थर्ड आएगा हमारा मोटर रिस्पॉन्स। मोटर रिस्पॉन्स में 6 पॉइंट को इंक्लूड किया गया है। पहला पॉइंट है ओबे कमांड। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ओबे, जो भी हम पेशेंट को बोलेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, वो उसको फॉलो करे। जैसे हमने पेशेंट से कहा कि अपने हाथ को ऊपर करो, या हमने कहा कि हाथ को नीचे करो, अगर उस कंडीशन में पेशेंट वो कर रहा है जो हमने कहा है, वो हमारे जितने भी हम जो कह रहे हैं, जो हमारा कमांड है उसको वो फॉलो कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम उसको 6 मार्क्स देंगे। सेकेंड पॉइंट आता है लोकलाइज्ड पेन। अगर पेशेंट को, जैसे हमने उसके ईयर लोब को पिंच किया और पेशेंट ने हमको बताया कि यहाँ उसको पेन हो रहा है, मतलब वो पूरी तरह से ये बताने में सक्षम है, उसका जो मोटर रिस्पॉन्स है वो वर्क कर रहा है, कि उसने हमें बताया कि यहाँ पे उसको पेन हो रहा है, उस कंडीशन में उसको 5 मार्क्स देंगे। सेकेंड आता है विथड्रॉल पेन। जैसे हमने पेशेंट को ईयर लोब पे, हमने पेशेंट के यहाँ पे प्रेस किया, तो पेशेंट इसको हटाने की कोशिश करता है, हमारे हैंड को हटाने की कोशिश करेगा। सेकेंड में हमने बताया था जो लोकलाइज्ड पेन है, उसमें तो वो बताएगा कि हाँ यहाँ पे मुझे पेन हो रहा है, लेकिन थर्ड जो विड्रॉल पेन है, उसमें पेशेंट बता नहीं पाएगा, तो उस कंडीशन में वो वहाँ से हमारे हाथ को सेपरेट करने की कोशिश करेगा, उस कंडीशन में हम इसको 4 मार्क्स देंगे। अब फोर्थ को नंबर आता है फ्लेक्सन। फ्लेक्सन को मेडिकल टर्म में डी कार्टिको पोस्चर भी कहते हैं। डी कार्टिको पोस्चर कहने का तात्पर्य ये है कि जो पेशेंट का ब्रेन का कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है, वो फंक्शन थोड़ा सा उसका कम हो जाता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं डी कार्टिको पोस्चर। उसमें जो पेशेंट होता है, हम उसके सेंटर पॉइंट पे, जैसे सब ऑर्बिटल पॉइंट होता है यहाँ पे, अगर हम वहाँ पे प्रेस करते हैं, तो उस कंडीशन में जो पेशेंट की आई होती है वो फ्लैक्स होती है, ऐसे फ्लैक्स होती है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं फ्लैक्सन वाली कंडीशन। या फिर कभी हम ऐसा तो करते नहीं है, लेकिन कभी कभी किया जाता है, जिससे इसमें कभी कभी करते हैं, कि जो स्टर्नम होता है, अगर हम स्टर्नम पे ऐसे प्रेस करते हैं, तो उस कंडीशन में पेशेंट फ्लैक्स होता है, वो अपने शोल्डर को फ्लैक्स करता है, तो उस कंडीशन में हम उसको 3 मार्क्स देंगे। ऑप्शन आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन को मेडिकल टर्म में डी सेलिब्रेट पोस्चर भी कहते हैं। एक्सटेंशन में जब हम पेशेंट के सेंटर पॉइंट पे, मान लीजिए स्टर्नम पे हमने प्रेस किया, तो उस कंडीशन में जो पेशेंट होता है वो ऐसे करता है, उसका जो शोल्डर होता है पूरी तरह से एक्सटेंड होता है आउटर की तरफ, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को 2 मार्क्स देते हैं।
अगर पेशेंट हमारा कोई रिस्पांस नहीं कर रहा है, मान लीजिए हमने पेशेंट से कुछ कहा वो भी नहीं समझ पा रहा है, पेशेंट को पेन कहाँ हो रहा है वो बता नहीं पा रहा है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन कुछ भी वो फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में हमको हम उसको 1 मार्क्स देंगे, पेशेंट को ओनली 1 मार्क्स देंगे। अब हम देखेंगे हमारा जो जीसीएस का स्कोरिंग है वो हम कैसे करेंगे। अब देखते हैं जीसीएस स्कोरिंग के बारे में। जीसीएस स्कोरिंग में जो मिनिमम स्कोर होता है वो होता है 3, हमने आपको पहले ही बताया था, और जो मैक्सिमम स्कोर होता है वो होता है 15। अब हम कैसे जानेंगे कि हमारे पेशेंट की कंडीशन कैसी है, चूँकि ऐसे पता है हमने पहले ही बताया कि जो जीसीएस होता है वो पेशेंट के कॉन्शियस लेवल को असिस्ट करने के लिए हम करते हैं, तो जो हमारा पॉइंट आएगा मार्क्स आएंगे हम कैसे ये पता लगाएंगे कि हमारे कितने मार्क्स हैं, हमारा पेशेंट की जो कंडीशन है वो कैसी है। तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स स्कोरिंग की हुए हैं जिसके थ्रू आप जान सकते हैं कि हमारे पेशेंट की कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 3 नंबर, अगर हम पेशेंट ने 3 मार्क्स स्कोर किए हुए हैं जीसीएस के थ्रू, 3 मार्क्स उसने पाया, तो इसका मतलब है कि पेशेंट में सीवियर न्यूरोलॉजिकल डैमेज की कंडीशन है। अगर पेशेंट ने 7 मार्क्स अचीव किए हैं तो इसका मतलब है कि पेशेंट कोमा की कंडीशन में है। अगर उसने 8 to 12 मार्क्स अचीव किए हैं तो इसका मतलब है कि जो पेशेंट है मॉडरेट न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट है उसमें। साथ ही अगर पेशेंट ने 13 to 14 मार्क्स अचीव किए हैं मींस माइनर न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट है, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। फिर अगर देखते हैं कि पेशेंट ने 15 मार्क्स गेन किए हैं तो बहुत ही अच्छा है, पेशेंट फुली कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है। तो इस स्केल के थ्रू, इस पॉइंट का जो हमने बताया हुआ है आपको डिटेल में, इसके थ्रू आप ये इजीली डिफाइन कर पाएंगे कि आपका पेशेंट जो है उसकी कंडीशन कैसी है। तो फ्रेंड्स, आज का आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट के थ्रू। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।